उसी के साथ सुबह के बज चुके 10:30 और उठने में हो चुका है बहुत लेट। तो अभी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट तो सभी का फिनिश हो चुका है, मेरा सिर्फ दूध पीने का बाकी है। और आ चुके सीधा उठ के सीधा आज किचन में आ गए, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो आज मैं आपको पूरी रेसिपी देने वाली हूँ कि किस तरह से छोले और भटूरे बनाने का है। तो चलिए, पहले हमारा दूध हो चुका है इधर रेडी, तो पहले दूध पियेंगे। और इधर सभी सामान भी रेडी हो चुका है। अभी इसमें क्या चना बॉईल करने के लिए रखा है, और लसन बसन सब कुछ आ चुका है। तो क्या बनाने का है वो बता दी। पहले तो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। तो क्या बनाने का, छोले भटूरे बनाने के? तो भटूरे तो कितना आज बनाएंगे भाई, एक साथ आज दो दो तीन तीन चीज बनने वाली है। पहले तो खाने का करेंगे, फिर उसके बाद चेड़ा बनाएंगे। नहीं, उसको सब साथ में ही करने गए, क्योंकि भटूरे तलने के लिए तेल लिया है। तो उसके साथ ये लोग सेवड़ा भी बना डालेंगे। तो ऐसा भाई, एक साथ दो दो काम लपेट लेते हैं, दिमाग अच्छा चलाते हैं। तो भटूरे हम मैदे के बनाने वाले हैं कि कम के? तो भाई आज हम मैदे कम खाते हैं, तो भटूरे हम बनाएंगे किसके, गेहूं के। तो एंड तक देखना, बहुत मजा करेंगे। चुके हैं दोपहर के 11:30 और आ चुके हैं फिर से किचन में। तो अभी बनाने की हमें छोले भटूरे की सब्जी। तो पहले हम बना लेंगे छोले, फिर उसके बाद बनाएंगे भटूरे। तो छोले बनाने के लिए सभी सामान तो इधर रख दिया है, तेल रख दिया है, और सब सामान हमारा आ चुका है। क्या क्या इसमें चाहिए तो हम पूछते हैं पहले। तो क्या क्या छोले भटूरे बनाने में सबसे पहले क्या क्या इसमें लेना पड़ेगा? वो कोल्हापुरी सलाह हम कल रात को गरम करके गरम पानी में पलट दीधा था, पछी अत्यारे बे सीटी कर नाखी। हां, એટલે મસ્ત એકદમ થઈ ગયા। અને એ ટમાટર કી ઓર એ કાંદે કી ગ્રેવી ઓર એ હે સિંગ કા ભૂકા ઓર તલ ઓર એ તો આપકો પતા હી હે જીરા પેસ્ટ હા તમાલ પત્ર હા તો ઓકે વઘાર કરને કે લિયે સબસે પહેલે તેલ લે લિયે ઓર ઉસમે ડાલ દિયા હે જીરા જીરા હે કે જીરું બાદ એ હિંગ ડાલ દિયે અબ અભી એક તમાલ પત્ર ઓર લાલ મરચું ચલા ગયા ઇસકે અંદર ખુશબુ આ રહી હૈ તુવે કે સાથ તો મુજે લગ રહા હૈ કે ભાઈ આજ ખાને મેં તો મજા હી આને વાલા હૈ તેરે કો કૈસા લગેગા ખાને મેં तो देखते आज थोड़ा गला मेरा खराब हो गया, ऐसा लग रहा है आवाज नहीं निकल रहा है ज्यादा। तो अभी इसके अंदर कांदे की ग्रेवी डाल दिए। अभी इसको थोड़े देर अच्छे से मिक्स करके फ्राई होने देना है। कांदे अच्छी
હાય શું કરને કહે તો બધા મેં અપને હિસાબ છે બોલ રહા હું વામે પાણી છે ને પાણી બળવા દેશું ને કાંદે કા જો પાણી એવો જલને દેને કહે એવી કે અંદર જો ભી પાણી થા વો પૂરા જલ ગયા ભી ઇસ કે અંદર જા રહા હે ક્યા ડાલને કહે એ ટમાટર કા ગ્રેવી જા રહે ઇસ કે અંદર કે પાણી બળવું નથી નહીં જલાય તો મુજે તો એસા લગ રહા હે જલ ગયા હો એસા હવે આ બધું પાણી થી તો ભી ટમાટર ઓર कांदे का दोनों ग्रेवी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको जो पानी है वो जलने देना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा इसके बाद कितना टाइम लगेगा पानी जलने में 5-10 मिनट तो 5-7 मिनट आपको धीमा गैस पे पानी जलने देना है सभी पानी जल जाएगा फिर आगे की प्रोसेस करेंगे इसमें टाइम लगेगा क्या 10 मिनट लगेगी तो उसके साथ में हमने देख लीजिए पुंगले और सेवड़ा बनाने का है वो भी रख दिया है तो वो साथों साथ करने का है इसमें टाइम लगेगा पानी जलने में तो उसके साथ अभी हमारा सेवड़ा बनने लगेगा ढक दिए फ्राई होने के लिए अच्छे से पानी पानी जब जल जाएगा तब आगे की प्रोसेस करेंगे उधर इधर ले लिया है तेल सेवड़ा बनाने के लिए और इधर देख लीजिए भाई मम्बरे निकल रहा है सेवड़ा बनाने का है सेवड़े का तो एक बार आपको दिखा दिया था इसलिए नहीं दिखाएंगे और इधर पटूरा का लोट भी रेडी हो गया है ये गेहूं का लोट है तो इसमें क्या क्या डाला था वो बता दीजिए रवो नहीं चोसे तो मीठू जीरू और रवा डाल के कटोरे का लोट बांध दिया है अभी थोड़ी देर के बाद हम सेवड़ा बनाने का चालू करेंगे और तब तक जो हमारी कांदे की और सब्जी है ना वो फ्राई हो जाएगी तो उसका आगे की प्रोसेस चलेगी और हमारे भाई भी उठ चुके हैं तो उससे मिल लेते हैं गुड मॉर्निंग क्या चल रहा है आज का अखबार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो अखबार में क्या आया है वो तो नहीं पता चलेगा क्योंकि रोहित भाई ने अभी भी अखबार नहीं पढ़ा है तो चलो थोड़ी देर के बाद उसको पूछेंगे अखबार पढ़ लेंगे ना तो फिर उसका भी ले लेंगे साथ में अखबार में आज क्या आया है वो तो अरे भाई ने अखबार पढ़ लिया है वो बता दीजिए आज के न्यूज में क्या आया है एस टी बस में तो 20 रुपये होगा उसका कितना हो जाएगा ऐसा है कभी से नियम चालू होगा हो यह महीने से चालू कर देंगे और दूसरा 10 साल के बाद एस टी बस वालों ने ये किया किराए में भाड़ा बढ़ाया बारिश था तो ऐसा है भाई आज के न्यूज में इतना कुछ खास नहीं है जीएसटी का वैसा सब कुछ है तो मम्मी भी आ चुके हैं पूजा करके गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा अभी भी आँख थोड़ी थोड़ी ऐसी है ना कि हो ऐसा क्यों हुए तो भाई इधर मम्मी आ गए सेवड़ा बनाने का आपको बनाने का है सेवड़ा ऐसा है तो अभी छोले भटूरे बन रहे हैं उसके साथ में ही सेवड़ा बनेगा तो इधर हमारा सब्जी हो चुकी है रेडी तो इसके अंदर अभी लाल मिर्च कौन सी मिर्च डालने लगी है काश्मीरी मिर्च जाने लगी है ये हो गया पानी पानी जल गया हाँ तो अभी काश्मीरी चटनी उसके ऊपर चली जाएंगी और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे छोले चने अच्छी तरह से पानी जल गया है तो इसके अंदर अभी ये जा रहे हैं हमारे छोले तो अभी छोले चने और देसी चने आते हैं इसका भी काफी सारे काफी लोग बनाते हैं लेकिन ये कौन से चने बोलते काबुली हाँ तो काबुली चने इसमें डाल दिए और अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि पूरी ग्रेवी और छोले दोनों मिक्स हो जाए फिर क्योंकि अभी रंग ऐसा नहीं लग रहा है रेड जैसा तो इसके अंदर काश्मीरी चटनी क्या होती है तीखी नहीं होती है सिर्फ कलर पकड़ाने के लिए ये लोग डालते हैं इसके अंदर तो देख लीजिए काश्मीरी चटनी डाल के पूरा ऐसा रेड कर दिया अभी ये थोड़ी तीखी चटनी डाल दी है तो बाजू में रख दिया है सेवड़ा बनाने के लिए तेल वो भी ये छोले को मिक्स करके फिर थोड़ी देर क्या करने का है ऑयल होने देने का है तो सर छोले भी पक जाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया गरम मसाला नहीं खाना चाहिए
वो सभी में मसाला जो भी रेडीमेड मसाला आता है ना उसमें क्या होता है कि वही आता है गरम मसाला ही आता है, तो गरम मसाला नहीं डालने का इतना ज्यादा, खाने में अच्छा नहीं है। ऐसा है जो खाना खाते उसमें तो गरम मसाला नहीं यूज करते, कभी कभार ऐसा बनाया होता है तब कर लेते हैं, और किचन में गर्मी होने लगी है क्योंकि फैन रहता है बंद तो ज्यादा गर्मी होने लगी है, तो कलर आ चुका है। और अभी इसको क्या करने का है, बस अभी टेस्ट करी ना वे धाणा ने उना के देशो तो हो गया, अभी बॉईल नहीं होने देने का है। आपने जणा बफाई गया ला हो इसलिए तो सब्जी हो गई ऑलरेडी रेडी। अब इसके ऊपर सिर्फ साने दाने डालने, तो उसके बगल में अभी डालेंगे सेवड़ा बनाने का। सेवड़ा जब हो जाएगा फिर हम बनाएंगे भटूरे, तो छोले भटूरे है बराबर। तो इसको हमने छोले पूरी तो पता चलता है कि छोले एटले सेणानु शाक होय, पूरी एटले अपने खावी पूरी गोल होय बराबर। तो आ छोले भटूरे छे, तो एमां भटूरानु कई रीतना, भटूरु कहेवामां केम आव्युं छे, छोले तो खबर पड़ी गई सब्जी छे, भटूरु एटले शुं छे, एमां एवुं होय पूरी गोल होय एटले एने पूरी कहे, अने आ भटूरेमां थोड़ा काम लांबा टाइप बनावे के नहीं हमको तो नहीं पता है कि छोले भटूरे कहाँ पे ज्यादा खाया जाते हैं। आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा छोले भटूरे फेवरेट अच्छा कहाँ पे मिलता है और किसका है। ज्यादातर तो सब लोग सूरत की टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ पे खाने जाते हैं, हम तो कहीं कभार नहीं गए। भटूरे हाँ मोटा मोटा हुआ, हम तो मैं तो कहीं पे छोले भटूरे बाहर खाने नहीं गया हूँ, कहीं पे गए होंगे तो वहाँ पे खा लेते। वो तो बकवास थे, ऐसे तो इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन भूख लगी थी इसलिए चल गया था। लेकिन अच्छे वाले छोले भटूरे कहाँ पे मिलते है वो कॉमेंट करना। सूरत में तो वो पता ही है टेक्सटाइल मार्केट के पास बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाहर का कहाँ का ओरिजिनल है ये कमेंट में बताना। ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, अब इसके बाद तो सेवड़ा बनाने का है, वो तो आप सब लोग बनाते होंगे तो वो हम नहीं दिखाएंगे। और देख लीजिए भाई आज गोरमा की प्रसादी में राजगवा की लड्डू और बनाना और पेरू आए है, तो प्रसादी खा लेते हैं। और एक बात, हाँ कल काफी सारे लोगों की कॉमेंट आई तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो काफी सारे लोगों की भजन के बारे में कमेंट आई कि मम्मी का भजन बहुत अच्छा था, तो वो पटके भी मम्मी को भी मजा आया और हमको भी मजा आया, ऐसे ही कमेंट करते रहो। और कल एक दूसरी कमेंट आई थी कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी आपका 1 मिलियन हो जाए, तो वो भी हमको सुन के पटके बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही कॉमेंट करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो ऐसे ही हर रोज हम वीडियो डालते रहेंगे। और आपको किस तरह का वीडियो देखना है वो कॉमेंट करते रहने का, तो हमें पता चलेगा कि आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है देखने में, तो हम उस तरह से थोड़ा सा कंटेंट बनाने लगेंगे। तो अभी भटूरे बनेंगे, तो अभी सेवड़ा बन रहा है तो ये तो आपने एक दो बार देख लिया है तो ये नहीं दिखाऊंगा। जब भटूरे बनाएंगे ना तब हम आएंगे, तो भटूरे किस तरह से हम बेलते हैं और किस तरह से फ्राई करते हैं वो सब आपको दिखा देंगे। खाने का शुरू हो चुका है और इधर घर पे बन रहा है छोले भटूरे, तो आज खाने का मजा ही आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अभी ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन बारिश हुई है तो ठंडा तो होगा। और इधर मम्मी बैठ चुके हैं भटूरे बनाने के लिए, देख लीजिए। मम्मी आपने पहली बार छोले भटूरे कब खाए थे, नहीं याद है आपको, तो देख लीजिए इस तरह से भटूरे बनने। भटूरे बनने में तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सिर्फ इस तरह से ही लंबगोल करने का होता है, राउंड करने का होता है ना वो नहीं होता है। हाँ तो आपसे हो जाता है, मेरे से नहीं होता है। आप गांव गए थे ना तब मैंने एक बार रोटी बनाने की स्टाइल ट्राई कर रहा था तो हमारे से वो राउंड नहीं हो रहा था। सबका काम सबको नहीं आता है, तो अभी भटूरे बन रहे है। तो तेरे को भटूरे बनाने का किसको सिखाया छोले भटूरे? हाँ सबका मसाला सिर्फ अलग अलग आता है। तो इधर भटूरे बन रहे है, अभी इसको फ्राई कब करने का है?
आ तो तेल रख दिया है आने के लिए। पोवा आपने फ्राई किया था, मेरे को पोवा खाने का था, सेवड़े का सब मिक्स कर दिया। सेवड़ा मेरे को पूरा नहीं मजा आता है। आ तो मम्मी गांव से भूंगले, मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि गांव से लोग भूंगले भी लेके आते हैं, तो एक गांव के भूंगले आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए बड़े वाला ये गांव के है। तो मम्मी आप गांव से क्यों लेके आए थे? तो मम्मी गांव से भूंगले लेके आए थे, वो आज फ्राई किए तो अभी टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा गांव के अच्छे है या सूरत के अच्छे है। जैसे बोला था कि पोवा खाने का था मेरे को अलग से रखने का, तो अभी भी पड़े थे हमारे पास पोवा, तो ये फ्राई करके लेके आ चुके है, देख लीजिए पूरा सिंपल पोवा खाने को किसको मजा आता है। मक्का ना पोवा आवे, सेवड़ा बनता है ना तब भूंगले और पोवे खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है, और सब लोग बहुत खा लेते हैं। थोड़ा पोवा खा लेते, तेल भी नहीं रहता इसमें। तो अभी पोवा खा के फिर छोले भटूरे, भटूरे छोले तो बन चुके हैं, अभी भटूरे का प्रोसेस दिखाएंगे। भटूरे बनाने के स्टार्ट कर दिए, मम्मी ने बेल लिए थे, अभी सोनल कर रही है फ्राई, तो एक एक फ्राई कर रहे है, और भटूरे तो जो खुला ही मम्मी भटूरा बहुत हारा खुला वो, तो देख लीजिए भटूरे हो चुके हैं फ्राई हमारे, धीरे धीरे होएंगे, एक एक कर रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन फूल बहुत बढ़िया रहा है। अभी तेल इतना गर्म नहीं हुआ है ना, इसलिए एक एक डाल रहे हैं, फिर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब एक साथ दो तीन डाल देंगे। तो जा रहा है भटूरे हमारे, देख लीजिए तेल में, और अच्छी तरह से फ्राई हो रहे है, लेकिन खाने का ये वाले भटूरे मजा आते है, जो आप मैदे के खाते हो ना वो ठंडे हो जाएंगे ना, फिर खींचेंगे ना फिर भी टूटते नहीं, और क्योंकि हाँ तो हम बाहर खाते हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है ठंडा, और मैदे का होता है इसलिए टूटता नहीं, और ये गेहूँ के अच्छे रहते हैं पूरी के जैसे खाने का मजा आता है। तो भी भटूरे सब रेडी हो जाएंगे, फिर सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाएंगे। दोपहर के 12:30 और सब लोग आ चुके हैं खाने के लिए छोले भटूरे, देख लीजिए भाई भटूरे को ढक दिया है ठंडे ना हो जाए इसलिए, तो सब लोग ने ले लिया है। तो कैसा बना है रोहित भाई भटूरे, आपको कैसा लगा पप्पा? हरा लग गया। तो सभी लोग अभी खा रहे है, तो हम भी गर्मा गर्म खा ले चुके हैं सेव, और आ चुके हैं घर पे, और देख लीजिए रोहित भाई क्या ढूंढ रहे हो आप खाने का, तो वापस से आप क्या खाओगे? वही छोले भटूरे, हाँ भटूरे पड़े हैं, छोले भी पड़े हुए, नहीं छोले खत्म हो गया। तो मम्मी आ चुके हैं, तो मम्मी आपने कल वो कमेंट, आपने कल वो पूछा था ना कि मुझे गाड़ी में जाते हैं तो शक्कर सड़ता है ऐसा, तो किसी ने कॉमेंट मारी है कि नींबू सूंघने का, तो ऐसा नहीं होगा, तो आप बाहर जाओ ना एक बार लींबू लेके जाने का साथ में, क्या होता है देखते हैं। और इधर सोनल अभी कपड़े की घड़ी कर रही है, उसके लिए भी एक कमेंट आई थी, लहसुन को थोड़ा सा सेक के फिर इसको हाँ तो पलाड़ी एवं का कीधु से हूँ जोई जोई एटले थी जाए तारो उपाय। तो अभी रोहित भाई के लिए बन रही है चाय, और मम्मी का लेते है भजन, अपना भजन लेके तो देखते हैं कौन सा भजन गाते अलग गाते हैं, और पापा देख लीजिए पापा भी, आपको भी भजन गाने का है तो से तो करिए चालू, कौन सा भजन है आज? जय श्री कृष्णा, कौन सा भजन है? हाँ तो चलिए गा दीजिए अय्या की आटड़ी, નારાયણ નામ બોલો
કાગળ કેરું ઓડખું ને ભવસાગર માં જાય રામ નામ લીધા વિન્યા ભવસાગર નો તરાય એવા ચાંજવા નાની રસી દડોળો નારાયણ નામ બોલો મારી હૈયા ની હાટડી ખોલો નારાયણ નામ બોલો હું સોયા વ્યાકાશ તણો ને માપ્યો નો મફાય રામ નામ નો યા કડો ને વાસ્યો નો વસાય એવા શાસ્ત્ર પુરાણી ના ધામ નારાયણ નામ બોલો મારી હૈયા ની હાટડી ખોલો નારાયણ નામ બોલો વાતું કરતા વરસ વહી ગયા પચીસ ને પચાસ ગરડા થયા પણ રામ નામ નો લેવાય એવો સથવારો નહીં આવે સાત નારાયણ નામ બોલો તમે મારી હૈયા ની હાટડી ખોલો નારાયણ નામ બોલો તમે ઉપતય ભે માન છોડો નારાયણ નામ બોલો એ હતા મમ્મી કા ભજન હૈયા હું भैया की हाटड़ी खोलो और भगवान का नाम लो क्योंकि फिर टाइम चला जाएगा तो भगवान का टाइम नाम नहीं ले सकोगे तो अभी काम करते जाओ और भगवान के नाम लेते जाओ तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और अभी टाइम हो चुका है वीडियो को इधर ही एंड करने का तो अभी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक करके शेयर करो और कॉमेंट करके सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग वंदे मातरम जय हिंद बाय बाय।